गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विभव शुक्ला एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द लेक्चर ऑफ क्लास 9 पॉलीनोमियल्स। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, उससे पहले आपको वही एज यूजुअल जैसे मैं मोटिवेट करता हूँ, सबसे पहले वही करूँगा कि वही लोग उठाते हैं जमाने में, वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियाँ जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती। खैर आगे बढ़ते हैं, वैसे भी मैथ वालों को छूने की किसी की औकात नहीं होती जल्दी। आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं कि किस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर। किस पर बात करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा हाँ हाँ, मैं एक जगह पढ़ा रहा था, मुझे एक बात याद आ गई, उन लोगों को शेयर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक जगह पे मैंने पढ़ाया था तो वहाँ एक बच्चे ने कहा था कि सर ये बताइए आप भगवान को इतना काहे मानते हैं। तो हमने कहा यार ये बताओ तुम सांस ले रहे हो तो बिना भगवान के ले रहे हो क्या? कैसे ले रहे हो सांस, सोच के बताना हमको, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है चलो, डिवाइडेंड होता है फिर ये क्या होता है बताओ? डिवाइडेंड हो जाएगा, ये क्या होगा? डिवाइजर होगा कि कोशेंट होगा, क्या होगा बताओ? अरे भैया कल भी बताए थे, आज ही बता रहे हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। ये मामला क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक सवाल मैं करवाऊंगा और उसको आप लोग सब लोग देखिएगा कि वो सवाल कैसे होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा उस चीज़ को। सवाल पहले मैं लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सवाल आपके सामने है, पी एक्स बराबर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और ये आपका जी यहाँ पे ये है आपका जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। इसको करेंगे तो x प्लस वन सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, उसके बाद सवाल एज यूजुअल जैसे डिवाइड करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस x का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो चुपचाप 3x लिख देंगे। अब 3x देखो, 3x इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा? इसकी पावर वन, पावर वन जुड़ जाएगी क्योंकि ये एक a इंटू ए, जब बेस सेम होता है तो ऊपर की जो पावर होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलो यहाँ लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब चलो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये क्या जाएगा? माइनस 2x आ गया, ये माइनस 1 आ गया। इतना मामला क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस 2 लिख लेंगे। भाई माइनस 2 लिख लिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लेंगे, कर लो भैया। चलो माइनस 2x कर लिए, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भी वही कर लेते हैं, ये प्लस साइन चेंज और ये भी प्लस साइन चेंज, ये कट गया, बचा क्या? 1, 1 आ गया ना। अब हम इसको ये प्रूव करके ये दिखाते हैं कि इसमें 1 रखने पर क्या होगा। ठीक है, आओ देखते हैं इस वाली सवाल पे। चलो थोड़ा दिखने वाली पेन ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा सवाल है कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये है। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है gx, जो ये gx है ये x प्लस 1 बराबर 0 कर लो, तो x बराबर करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन है इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने इक्वेशन माना है इसी पर x की वैल्यू आपको रख देनी है। चलो भैया अब आओ इसको भी रख के देख लेते हैं कि क्या होता है मामला, क्या नहीं होता है। ठीक है, तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। अब जैसे मान लो क्या है सवाल, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है ना, तो अब x की वैल्यू क्या माने हो? माइनस 1 निकल के आई है, रख देते हैं इसी में, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यही होगा ना, यहाँ पे भी माइनस 1 ही होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब जैसे इसको किया तो 1, अब देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 जब किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना? माइनस 1 ब्रैकेट में, ये माइनस 1 हो जाएगा। चलो ये हो गया 3, ये माइनस 1, ये माइनस 1। अब माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा? 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 1 आ गया। अब तुम लोग एक चीज़ देखना ध्यान से, जो आंसर मेरा यहाँ आया था वही आंसर मेरा यहाँ आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, आप उसको उस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड बोथ, और एडमिशन्स आर ओपन, जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला मैटर। और सबसे बड़ी बात, 9415614156 स्क्रीन पे ये नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप आप करके मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।